तो हमें बहुत एक गर्व महसूस होता है कि लोग यहाँ से वैक्सीनेट होकर जा रहे हैं और इतने बेनिफिशियल को वैक्सीन लग चुकी है। तो मतलब एक अंदर से हमें प्राउड फील होता है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जब पेशेंट आता है या फिर नागरिक आता है उसके बाद जब जानकारियाँ मांगते हैं कैसा अनुभव होता है, वो खुले मन से देता है, रेडी रहता है? सर वो बेनिफिशियल जो है अच्छे से मतलब उनको वो एग्री होते हैं कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सा मतलब फील होता है कि हमारे लिए एक सर ने जो है हमें इतना अच्छे से मतलब हमें एक दिया गया है, हमें वैक्सीन दिया गया है। क्या कोई एकदम से बहुत बढ़िया अनुभव याद हो ऐसा कुछ किसी पेशेंट ने कहा करे तो अलग ही अनुभव आया ऐसा कुछ? सर एक पेशेंट थे हमारे पास, उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे जो है पूरे मतलब देश भर में इतना वैक्सीन हो रहा है, तो उन्होंने मतलब हमें बोला कि मतलब उतना मतलब हमें तरफ से बोला कि हमें एक हमें कोविड से बचाने के लिए ये हमें वैक्सीन चालू की गई है और पूरी उन्होंने अपनी फैमिली को एक साथ यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाया। कोई एकदम से नेगेटिव कोई अनुभव आया हो आने वाले नागरिक की तरफ? ऐसा तो कुछ नहीं। नमस्ते जी। ओहो ना नहीं हो क्या सुनना है? पहला डोज है या जी? मेरा ये पहला डोज। अरे इतना देर लगा दिया? इसलिए कि अभी मैं अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ और बनारस के तारनाथ में मेरा घर है और वहाँ मैं एक छोटा सा दिव्यांग स्कूल भी में यहाँ मैं एक व्यवसाय करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, एक छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। वहाँ स्कूल चला है? जी पहले वो मेरे छोटे बड़े भाई हैं। आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन के कर दिया? ऐसा इसलिए कि जो स्कूल करता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज़ अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था, मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाटी बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में जिज्ञासा आई मुझे भी लगवाना चाहिए, योगा से कुछ नहीं होता। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया? नहीं कर, मैं बहुत और आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन होकर जाना चाहिए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है? आपने पहले लोग समाज में विकलांग शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था, लेकिन आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। इसके जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी, उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, तो माता जी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला फांक काटा वैसे ही पिताजी आ गए, उन्होंने बताया कि आज 70 वो सूर्य ग्रहण का प्रकोप है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए। तीन के लौकी का पहले मारते थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियाँ आने जो है रह गई हैं, बाकी जो है मसाज तो। इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको, अब ये गर्व महसूस होता है। अब समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग ये समझते हैं ये दिव्यांग। इस बार पैरालंपिक में हारे दिव्यांग भाइयों ने किया ना, उसके कारण तो लोगों में बहुत प्रतिष्ठा अपने परिश्रम से बनी। ठीक है, ओ बैठो नमस्ते जी, क्या सुनना? क्या सुनना?
मणिपुर मणिपुर में कहाँ थे? मणिपुर में स्नातक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ कितने साल से? सर मैं हॉस्पिटल में एक साल हो गया। इसके पहले कहाँ थे? पहले मैं स्टडीज कर रहा था, मैं सेकंड दिल्ली से मैं एम्बेसी कर रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचा था, एक साल हो गया। अब तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन शुरू किया था मेरा जो कि आगे था तो लगभग सर 15,000। अरे वाह, अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। कुछ पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा? सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है, और किसी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे काउंसलिंग लेने के बाद उनको अच्छा करके। किसी को ज़रा ज़्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा किया होगा? लोग कॉपरेट करते हैं तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ एक बेटी क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? सर स्टार्टिंग में मुझे था पर मम्मी वगैरह कह रही थी पापा का कि हाँ मेरा बेटी एक अच्छी काउंसलिंग कर रहा है, इसके लिए सरप्राइज करके ड्यूटी कर रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आराम से आराम फोटो खींचा आपको लेना है।